Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello bachcho and welcome to online classes of Shivam Convent Shuklaganj Unnao. We are going to start first chapter of class 5th B of maths. जैसा कि आपको चित्र में अंतर्राष्ट्रीय स्थानीयवान सारणी में दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग में तीन तीन अंकों के बाद कॉमा लगाकर तीन तीन मेंबर को रखा गया है। जैसे इकाई वर्ग में तीन मेंबर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार वर्ग में तीन मेंबर हजार दस हजार सौ हजार और मिलियन वर्ग में भी तीन मेंबर आते हैं। इसमें भी दो मेंबर लिखे, तीसरा भी नहीं लिखा है क्योंकि इसमें केवल सात अंकों की ही संख्या है। यदि संख्या और बड़ी होती तो और ज़्यादा मेंबर राइटअप किए जाते। ठीक इसी प्रकार भारतीय स्थानीय मान सारणी में भी पहले वर्ग में वैसे ही तीन अंकों के बाद कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर आगे के वर्ग में हजार वर्ग आता है उसमें दो अंक, फिर लाख वर्ग उसमें दो अंक। इसमें पहले तीन अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दो अंक और फिर दो अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसा कि आपका यह उदाहरण दर्शा रहा है, ये आपको यहाँ पे एक संख्या इन्होंने लिख के दी हुई है 7523184, इसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगाए। इसको अगर मुझे भारतीय प्रणाली के अनुसार खंड करके कॉमा लगाना है तो पहले तीन अंक, फिर दो अंक और फिर दो अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। इसी तरीके से यदि मुझे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार कॉमा लगाना है तो पहले तीन अंक, फिर तीन अंक और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर फिर तीन अंक। इस तरीके से कॉमा लगाकर लिखने पर हम इन्हें बाद में जब शब्दों में लिखेंगे तो वहां पर ये हमें थोड़ी सी सहायता करेंगे। जैसे कि यहां पर भारतीय प्रणाली के अनुसार खंड करने के बाद कॉमा लगाया गया और उसमें लिखा गया तो पहला जो खंड है वह लाख वर्ग है। यहाँ पे आप जैसा कि देखिए पहला लाख वर्ग है, फिर हजार वर्ग और फिर इकाई वर्ग। तो पहला लाख वर्ग है तो उसमें एक साथ पचहत्तर, पचहत्तर लाख, फिर हजार वर्ग तेईस, तेईस हजार, फिर 184। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पहला मिलियन वर्ग है उसमें केवल एक अंक सात मिलियन, फिर हजार वर्ग है तो उसमें पाँच दो तीन एक सात है तो उसको पूरा एक साथ 523 मिलियन और उसके बाद 184 जैसा कि यहाँ पे शब्द में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे के बारे में मैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।